आप सब मेरी पर्ची लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गीता है और मैं गांव अमरपुर की रहने वाली हूँ। घर में बड़े जेठ जी हैं, उनका नाम राम प्रकाश प्रधान है और मेरी जेठानी है जिनका नाम कजरी कंठी है। एक ननद है जिसका नाम राजकली है। मेरे पति जी हैं, लेकिन क्या बताऊं, काफी समय बीत गई, मैं खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ, अभी तक मेरे स्वामी जी नहीं आए गए। मैं थोड़ी देर उनका और इंतजार करती हूँ। देख रहे हो कितनी आराम से बैठी है हरामजादी। बताओ, पूछती हूँ, करे कितवा गितवा, मेरी बात सुन हरामजादी। हमारे कोख पर भूत कराए, मेरी बात सुन ली, बाल बंदी का खा चाहते रे बच्चे। गलती सोची थी सारी तू, yeah।
भाई हमारा रारा करे करे हरे चंद नवाया ई बताओ माटी थे उन्हें का कहा दिबा चाची के हमें कवन दोस्त बा आ? कहा दिबा हमार दोस्त कुछ है ही नहीं बा हम कवनो भूत कराऊबे नहीं भाई ना सही है पाक भारी है रंडा कवन सार कवन सोखा कहा रहा था हरिचंदवा तहत माटी दियो ने तहत पहले ही से अगर हम देख ले तो कर मोछा उपाल ले चाहे भार अंदर देख ये मेरे घर की बात है रंडव भतार गालों का बिटिया तू ऐसे ना सुधर बुआ तू जब तक का चियत यहाँ हमारे मुड़ा का बोझ बनी हाँ हरिचंदवा आ देखा रंडी भतार गाड़ी का कहो तो जान से मार जाई तैना कहबे हमारे कहे तू ही नहीं पुर जा हिया या फिर तो का रंडव आ तो का तोहार हम चेहरा नहीं देखा चाहे तरा भतार गालों का बिटिया ये क्या कर रही हो क्या कर रही हो बोलो हरामजादे यानी प्रधान जी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है अरे यही की दवा है क्या मेरे कोख पर भूत यही कर रही है हराम कोख की दवा है तो ठीक है मेरे सामने मैं खड़ा हूं और इस पर 50 हंटर और लगाओ देखता हूं कौन साला आता है 50 हंटर मारे के बाद देखो साले को मारो आई के काजरी का सॉरी चलो प्रधान जी हटो चलो बड़े भैया बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं भैया क्या कहना चाहती है कि तू ए बाबू साहब तई ठहरा बाबू जाना तई भाई ठहर जाता ए आगे दशरथ सेठ हाँ ठहर जा सारे हम गाय भाई सो गए अरे कहा था रुका था नहीं गए ऐसे कह नहीं कहता भाई कहा था दशरथ सेठ कि ये जवन यहाँ ना प्रधानायन तोहार हम कहे तब का भा हमार माई या प्रधानायन या कहें इनके लड़का ना होता है ना हम कहे तब का तू हवाई दे भैया कहें खाली तू खाली 3 घंटा का मौका दे दे हम के कंप्यूटर लेके था अभी आए ना माटी दियो ने भैया बोल बुता क्या कहना चाहती है बोल घर के मालिकिया भी बढ़के भैया तेरा बड़ा भैया गति दीदी से मेरी कराओ नहीं आपके पावो कारी की बहू आपके पावो पारी की बहू भैया आप घर के मालिक हैं बड़े हैं और पढ़े लिखे समझदार हैं वार गीता वार जरा एक बार सोचिए कि दीदी से मेरी क्या दुश्मनी है जो मैं दीदी को पर भूत कराऊंगा भैया वास्तव में सच में दुनिया वालों ने सच कहा है कि चिड़िया चरित्रम दैयम न जाना साली हराम खोर हमारी जिंदगी तू पलीत कर दिया और कह रही है क्या है
प्रधान जी ये मेरा मैटर है, आप बैठिए। घबराओ नहीं, लगाओ साली को 2500। तब समझ में आएगा इसको क्या बात है। माइक मटरिया, माइक मटरिया, मटर। हाँ सारे ओके, मटरिया तो हर चलाया मैटर में। अरे भतार गाड़ी का बिटिया राम, मेरी गीता ने किया है मैं जानना चाहता हूं। सुनना चाहते मैं चुप चाप बताओ, चुप चाप मेरी बात कान खोल कर बताओ, मैं जानना चाहता हूं बोलो क्या बात है भाई। तेरी को गीता ने तुम्हारी कोक पर भूत करवा दिया है। अगर न मान तो कौनो बात नहीं बा, मेरी बात सुनो। नहीं, अरे यहाँ पर गलत सोचे भाभी तुम्हारी। आखिर हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है भैया, जो कि मेरी धर्मपत्नी गीता भाभी के कोख पर भूत कराएगी। आखिर आप ही बताइए, ऐसा कदाप नहीं हो सकता है। प्रधान जी साफ साफ बता दो। हाँ साफ बता दो। आगे गौतम सिंह पटेल 11 रुपये देता कहता वैसे कसम भगवान की, तुम्हार माई वैसे आए और प्रधान जी जनरल अपन सुख आई। पैसा वापस करते पे ये आ गए हमारे भैया दयाराम जमखुरी, दयाराम जमखुरी 21 रुपया दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे भैया पिंटू प्रजापति 11 रुपया दे रहे हैं। पार्टी तरफ से भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। वाह रे आकाश वाह, प्रधान जी मैं तो तुझे भाई नहीं बल्कि बेटा की तरह समझता था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तू हमारा लिए नाग बन गया रे। अगर तू जानना चाहता है ना कि आखिर बात क्या है,
तो तू अपनी पत्नी उस हराम को गितवा दे। अरे भैया, यानी एक ओझा सोखा के कहने पर इतना बड़ा विश्वास है? विश्वास है। और मैं तुम्हारा छोटा भाई और सगा भाई, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? क्या विश्वास है? अगर ऐसी बात है भैया तो मैं जरूर अपनी गीता से पूछूंगा ऐसा कदम उठाने की उसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई। अगर आज हकीकत का पता चल गया तो हराम खोर को मैं दुनिया से मिटा करके रख दूंगा। ठीक है भैया। वाह रे गीता, आज तक तेरे प्यार तुलार में मैंने कौन ऐसी कमी कर रखी थी? तूने ऐसा कदम उठा करके अच्छा नहीं किया है। गीता इधर आ। गीता मैं बड़े कानों से क्या सुन रहा हूं? ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? मेरी बात सुन। तेरी वजह से मेरे घर में झगड़ा लड़ाई फिर से हो गया है, बता दे वरना मैं तेरी खार खींच करके रख दूंगा। तेरी चमड़िया काट करके रख दूंगा। मेरी बातों पे भी सवाल करिए पिया, भूत को परदीदी के कराइए नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि तू नहीं ऐसा कदम उठा सकती है, ऐसा काम नहीं कर सकती है, लेकिन मेरी बात सुन। अरे भाई भाव है तो विश्वास होता नहीं, बहुत भाव ही के ऊपर कराई है तो क्या खता की भाव है। मैंने बहुत नहीं किया है तो वाकई में पाप सुधरी है, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कदम उठाने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? याद रखो गीता, आज तो मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, वरना अगर हकीकत का पता चल गया तो मैं तेरा जला। हाँ
राम दीन जमखुरी ये सीन देखते हुए 21 रुपया देते हैं। 16 अप्रैल 2023 मास्टर भंडारी लाल की नौटंकी का प्रोग्राम रखा गया भैया, 16 अप्रैल ढेर दूर है याद रखे रहे जमखुरी में। 21 रुपया भैया एक बार बार 2023 बड़े भैया, बड़े भैया जी आप हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे देवता हैं। मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पांव पड़ रहा हूँ। घर का मुखिया मुखिया होता है, ओझा सोखा के कहने से कुछ नहीं होता है। बड़े भैया मालिक पर भरोसा रखो, मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मालिक चाहेगा एक न एक दिन भाभी की गोद जरूर हरी होगी। वाह आकाश वाह, अपनी बीवी के कहने में आकर हेलो हेलो, ये आ गया हमारे गौतम सिंह साहब पटेल। ये सीन देखते हुए 11 रुपया हमारे बदले देता है। कहा था यार वैसे प्रधान तो हर बहुत नीक मनाई है, लेकिन अब भाई घर घरे का बात या अब ओझा का बात भाई, जब वो नहीं जाने हम साला रस्सी से बांधी तो भाई तोड़ाई जा था ओझा तो रस्सी पर गहा का छच्छा महीना बांधे रहा। आकाश समझ लिया क्यों जब अपनी बीवी की बात बात कर अपने भाई का झूठा समझ लिया रे हा? जो भाई तुझे भाई नहीं बल्कि बेटे की तरह मानता था, आज अपनी बीवी के चक्कर में तो मुझे कह रहा है कि वो जासूसों की कोई बात सत्य नहीं होती। ठीक है मैं तेरी बात को मान लेता हूं, लेकिन मेरी बात को गौर से सुन। क्या बात है भैया बोलो। तू ऐसा नहीं मानेगा रे, अगर तू हमारी बात को झूठ समझ रहा है और अपनी बीवी को सत्य समझ रहा है और ओझा सोखा की बात को मान नहीं रहा है तो तोरा हमारा साथ गुजारा नहीं होगा। अरे भैया यानी आज एक ओझा के कहने पर आप अपने साथ मुझे नहीं रखना चाहते, यानी अपनों से मुझे अलग करना चाहते हैं। बिल्कुल अलग करना चाहता हूँ क्योंकि तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो ये बता कि हम थोड़ी जिंदगी कैसे हरी भरी देख सकते हरे भैया। बोल मेरी बात सुनो। बोल क्या बोलना चाहता है। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। तो भैया मेरा भी कहना है। क्या कहना है बोल। भाभी माई इस घर में शादी सुदाई है तो मेरी गीता कोई पराई नहीं है। अच्छा वो भी शादी सुदाई है। मेरी बात सुनो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बोलना चाहते हो। साथ रहना अब मुझको तुम्हारा
गलत है कि मेरी गीता गलत है, ओ जहाँ शोखा सब सही है, तो आज से कान खोल करके सुन लो, नहीं चाहिए भैया तेरा सहारा, और इसी वक्त कर दो इस घर का बंटवारा। प्रधान जी एक कम पर्चे तक तुरंत अलग कहो, अब कहा तेरा बिल्कुल अलग हो, अलग आ जा, एक एक चीज बंटवारा हो जाए, हो जाएगा। राजेंद्र गौतम सिंह पटेल साहब, गौतम सिंह पटेल साहब 11 रुपया देता है, कहता है भगवान कसम जकरे घरे में मेहरारू लक्ष्मी ना भाईन पूजा, जकरे घरे में लक्ष्मी ना भाईन पूजरिन तो कर सत्या ना साले। ये हमारे घर एक बात या टहरी चन्नवा, अरे ओ आकाश संभल ले, आकाश हां भैया, तो तू भी बंटवारा चाहता है? मैं भी चाहता हूँ। ठीक है, है हरिचंद, इसी वक्त जाकर के घर के सारे बर्तन और सामान लेकर आ, और इसी वक्त बंटवारा हो जाए। चलो हमार बंटवारा मान होई कि बुलाए ले हम मेला मालिक का मान होई ना भाई, हम दूर जनक तरफ से नौकर रही हमारे लिए बांटे रे, अब का हम का तो हर हम कुछ ले भाई का ज्यादा ज्यादा या गए हमारे भैया जगत बहादुर, या गए हमारे भैया जगत बहादुर मेला कमेटी की तरफ से, इस सीन को देखते हुए 21 रुपया पार्टी की तरफ से भाई साहब को बारम्बार नमस्ते पहुंचे। यह हमारे मेला मालिक अमृतलाल पहलवान जी की तरफ से 21 रुपया कहता है बटवा सही बंटवारा हो जाए, घबरा ना बाबू, आखिर सही बंटवारा कह के का कर भाई, इन्हान क्यों भाई तो नहीं का कर भाई, इन्हान का दाई माइक नहरे के बुटुली है, अरे बुटुली का है माटी माने बाबा माटी जाओ माटी जाओ ने रे करे ई बुटुली का है रे, ये जो नाई बैठाई एका बटुई कहा थी माटी जाओ ने बटुई तो मऊ कहा भाई, माइक में पेन पेनियो मजबूत रही है, माइक हेयर तो मजबूत है। चल ठीक बात कर माइक कल
भैया खाली वह तोर लहसुन बचा है कौत हो लिया बार दे छुट्टी करे ही बताओ हरिचंदवा करे हरिचंदवा बताओ तो कब आटा क्या बुलाए से अच्छा माई का ऐसे बाटा जात माटी दिया उन्हें पुरनिया है रोटी पुआ तो खपाड़ा पे मान ल चाची बेचारी नहीं आई ना जरा तो कहा ले जब माटी दियो ना तहु खुशी रहो यहाँ नहीं के चक्कर में तो चार के कांधे सोवत की माटी दियो ना ले जा हटा एक बात या अब बच गए हम एक बात का तुम्हारा इनमें हो गए आ बेटा हूँ एक बताओ तय कौन में रह भी उ वाला के कया उ अपन बड़की माई तम हम न रहब हम हमार रह यो छाछा ला कहबे यो हमरे बीच में रोना बना बता अब हम माई के में जाई थी तब ऊपर अबलम में आई एक बात यार दुनिया चला जा आओ का चाचा चला जा चाची चली जा यो अजय वो चला जा हलाले ससुर ना जाई तोरे साथे रही हाँ अगर मान लो सब चला जाए जियो बेटा अगर तुहार सेवा सासत करब अब मर गया तो गोले में लथरी गठ गया घर राय का लाइक चला कफन दफन कई मरने का प्लान अभी से भी ऐसा कर बंटवारा हो गया इसे उठा मेरा सामान मेरे कमरे में अच्छा और आकाश का सामान आकाश के कमरे में पहुंचा उठा आकाश अरे आकाश बर्तन का बंटवारा हो गया ठीक है भैया घर के सामान का बंटवारा हो गया हाँ भैया संतुष्ट है ना एकदम संतुष्ट हूँ भैया लेकिन लेकिन भैया जमीन का बंटवारा नहीं होगा जमीन का बंटवारा हाँ हाँ जमीन का बंटवारा नहीं होगा भैया क्योंकि छह बीघा मैंने अपने प्रधानी में बनाया है वो मैं तुझे नहीं दे सकता नहीं भैया वो तो साबिलात में बनी है मैंने तो भी तुम्हें बिल्कुल नहीं तुझे मिलेगा लेकिन पिताजी ने जो 10 बीघा जमीन बना रखा है उसमें से आधा सुन रहा है जो आपने बनाया है उसमें मेरा अधिकार नहीं है बिल्कुल तेरा अधिकार नहीं है। और पिताजी की बनाई हुई 10 बीघा जमीन 5 तुम्हारी है 5 हमारी है और ही 5 तुम्हारी है और 5 हमारी है जिसमें अनाज उपजता है वो हमारी है और जिसमें अन्न नहीं उगता वो तुम्हारा सुने भैया अरे 6 बीघा अपने जिंदगी में जमीन बनाए हमारा अधिकार नहीं बा 2 तल्ला का मकान बनवाए हमारा अधिकार नहीं बा पिताजी की बनाई हुई संपदा हरिश्चंद 10 बीघा जमीन जिसमें फसल उगती है 5 बीघे में इनकी है और जिसमें ऊसर परेट है वो हमारी है हाँ बोला जिंदगी भे बाबू कब फरुआ से कौन तक ना ही घूरे हाँ अरे दोनों जने को ऊसर न रही था तू हम का अरे चन्नवा ए कसवा इतना नहीं सुन हम अपने नहीं हरे से अच्छा हम अपने नहीं हरे से 5 लाख रुपया लिया रहे क्या करे खाते प्रधानी लड़ाए रहे अच्छा तब प्रधानी जीते नहीं और का नाना के कबो कुछ जुआ ए हरिचंद सुना सुना यानी 5 लाख रुपया लिया हो और तुरंत प्रधान बन गए और क्या ऐसा वोट नहीं दे 5 लाख रुपया बन गए हमारे बात सुना अगर तुहरे 5 लाख में इतनी बड़ी दम रही कि बिना वोट दे प्रधान बन गए
तो तू 4 लाख और मिलाई दे तो तोहरे नैहरे के पैसा रहा लड़की वो सार पैदा हो गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ठीक है, काहे जब नैहरवा से पैसवा लिया के प्रधान जी के प्रधानी जिता सका थी तो का नैहरवा के पैसवा से तोहरे पुरल्लू ना। अरे भैया देखा भैया आप लोगों ने, ये मेरे घर का बंटवारा है। घर का बंटवारा तो हर जगह है बाबूजी, राजा हो या रंको, अमीर हो गरीब हो, लेकिन ऐसे बंटवारा कहीं नहीं होता है जिस तरीके से हमारे बड़े भैया कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि एक छवि घबे मेरा अधिकार नहीं है। सर जमीन पिताजी की बनाई हुई जो अच्छी जमीन है, इनकी जो रत्ती है मेरी है। घर में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। एक बात आप लोग बस बताइए भैया कि जिसकी नियत ही नहीं अच्छी है उसके लड़का साले कहां से पैदा होगी। वाह वाह आकाश वाह, आखिर आप ही सब बताइए, क्योंकि आप ही की वजह से आज मैं इस ग्राम सभा का प्रधान हूं। क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं कि जिसमें अन्न उगता है वो मेरा हिस्सा है और जिसमें नहीं उगता इसे दे रहा हूं? क्या गलत कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझसे बढ़िया प्रधान कोई नहीं होगा। ए कसवा, हाँ भाभी ठीक बा, जवान कुछ भावा भावा। अब हमारे घरे के तीर, अच्छा हमारे जमीन के तीर पलट के आए ना, सुने भाभी लैले खोरिया में तेल, अच्छा लैले खोरिया में तेल, और वी के तेल ऐसे लगावत जाओ ही लगाओ कि हमार बात सुना, हमार बात सुना। तेल इतना सस्ता नहीं बा जितना जबान से कह दी हो। तेले का मतलब आज तक तू भाभी जाने नहीं पायो। अगर जो ने तेले को तू उल्लंघन कर दिया वही तेल अगर साल दो साल पहले लगाए हो तो लड़का सार कब पैदा हो। इसका माइंड ठीक नहीं है। चलो चलो, इसका दिमाग खराब हो गया है। सर जमीन की तरफ देखने की बात कर रहे हो बड़े भैया भाभी, तो मैं वादा करता हूँ कि दुनिया वालों के सामने मैं अपना दामन फैला दूंगा, अच्छा हाथ फैला दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे सर जमीन की तरफ देखने की बात छोड़ो थूकूंगा नहीं। अब समझ में आएगा बच्चों? यह इतना नहीं, खूब ऐसा आराम किया है। फूके के बाद छोड़ो, दूरों जने के द्वारे तो हम मुंह तो बंद पास वाले आओ चले। ये साला का अकस्मा का दिमाग खराब हो गया है। चलो, चलो इसको हम देखना पसंद नहीं करते। अरे भैया आज मुझे अलग होने की चिंता नहीं है, आज मुझे अलग होने की चिंता नहीं है। आपने मन चाहा बंटवारा कर लिया, मुझे कोई कम नहीं है। चिंता तो इस बात की है कि तूने अच्छे मौके पर मुझे धोखा दिया है। मेरी गीता की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहती है, पेट में मुन्ना भी पल रहा है। आज एक कौड़ी के लिए तुमने मुझे मोहताज बना दिया। आज मैं अपनी गीता का इलाज कहां से करूंगा? अफसोस इस बात का है, बाकी मुझे कम नहीं है कि मैं अलग हो गया हूं, मुझे कुछ मिला है या नहीं मिला। जिसका कोई नहीं होता भगवान होती चाचा। ये आगे हमारे गौतम पटेल, 11 रुपया सीन देखते हुए तेरे भैया के बार बार नमस्कार है। स्वामी क्या बात है गीता? बड़े भैया घर का बंटवारा कर दिए, छह बीघा जमीन थी उसमें हिस्सा नहीं दिए, जो 10-20 जमीन थी 5-20 अकेले ले लिए और 5-20 दिए, कलम भी चढ़ाई दिए। अब क्या होगा स्वामी? मैं समझ रहा हूं गीता, और ये भी मैं समझ रहा हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन परिवार चलाने के लिए सब कुछ कदम उठाना पड़ता है प्रिय। आज मैंने तेरे ऊपर हाथ जरूर उठाया, लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें दिल से बिगड़ रहा था। मुझे ये मत सोचो कि हर बात का पता नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन बड़े भैया भाभी को इतना बड़ा विश्वास नहीं हुआ। आज भी उनके दिमाग पे सिर्फ ओझा की बात गूंज रही है। गीता आज मैं सिर्फ दुखी हूं इस बात के लिए कि तेरा इलाज कहां से होगा। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनो। अपने बहना के घर
से वहां से लाऊंगा मैं धीरे दिल में धरो मालिक पहलवान साहब अमृतलाल जी की तरफ से एक सीन देखते हुए 11 रुपया बाबू पावला किसी बात की कामना है। ये आगे गौतम सिंह पटेल साहब ये सीन देखते हुए 11 रुपया भाई एक बार बार नमस्कार है। गीता मैं सोच रहा हूं कि एक पैसे का सहारा नहीं है, मैं अपने बहन के घर तेरे ननद के घर गंगापुर चला जाऊं, वहीं से कुछ पैसे मांग के लाऊं, तेरा इलाज हो सके। देखो गीता सब में वादा हो सकता है, अगर तेरा इलाज समय से नहीं होगा, अगर मालिक की कृपा ना हुई और कुछ हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। स्वामी आपने एक बार दीदी के हाथ से पैसे लाए, क्या आपको दीदी दोबारा पैसे देगी? स्वामी गीता तेरे कहने का मकसद यह है कि आपने दीदी के हाथ से 2000 रुपया लाया है, आज तो साल का दिन गुजर गया, आपने उनका पैसा नहीं दिया, दोबारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? स्वामी गीता तुम कभी कभी बहुत नादानी की बात करती हो, अरे मत सोचो कि मैं दीदी का पिछला पैसा भूल गया हूं। अरे गीता कहा गया है कि जिसके पास कर्ज होता है उसके कलेजे में दर्द होता है, मुझे आज भी पता है कि मैं अपने बहन के घर से पैसा लाया हूं, लेकिन जाने का मेरे कहने का मकसद यह है कि वो मेरी सगी बहन है, मैं उसका सगा भाई हूं, कोई पराया नहीं, पैसा क्यों नहीं देगी? अगर पैसे देगी तो ठीक है, अगर नहीं पैसे देगी तो मैं घर वापस आऊंगा, तेरी दवा का इंतजाम कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। ये आ गए हमारे भैया भारतलाल पटेल, ये आ गए हमारे भैया भारतलाल पटेल मदद में, दवा के लिए भैया 11 रुपया दे रहे हैं। पार्टी क्रम से भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। भैया क्या बात है, जहां जितना पैसा लगे या भारतलाल भैया बैठा है, कहा था हम पैसा दे खाते तैयार है। मालिक दुनिया में सलामत रखे बाबूजी, आप ही लोगों का सहारा है। ठीक है प्रिये, अगर आपकी इच्छा है तो ठीक है जाइए, तो मेरे साथ चलो और आज ही मैं बहन के घर गंगापुर जाऊंगा और शाम होने के पहले पहले मैं घर वापस आ जाऊंगा। तेरा ही सहारा है मालिक, ब्रज के बिहारी देना मुझको।